हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्चर्स वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्चर्स वर्ल्ड में। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पोहे की, कुरकुरी क्रिस्पी नमकीन, जिसे कि आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। जितनी देर में आपकी चाय बनती है उतनी देर में ये नमकीन बन के तैयार हो जाती है, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स को। तो एक बार ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम मूँगफली, 7 से 8 हरी मिर्चें, 4 से 5 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है और 100 ग्राम पोहा। इन सभी का यूज़ करेंगे और इस क्रिस्पी सी नमकीन की रेसिपी को बनाएंगे। और मसाले में हमें इसके अंदर डालना है सिर्फ नमक। तो देर नहीं करते और इस रेसिपी को कर लेते हैं तैयार और स्टार्ट। तो यहाँ पर तड़का जो है वो हम सबसे पहले कट कर लेंगे। मैंने प्याज को, हरी मिर्च को और लहसुन को कट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज के स्लाइस थोड़े से लंबे लेंगे ताकि वो हमें नमकीन के अंदर नज़र आए और खाते वक्त भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन और हरी मिर्च को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये नमकीन इंस्टेंट नमकीन है, आप इसको झटपट बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। एक बार इस ट्रेडिशनल तरीके से इस नमकीन को बना के देखें, वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर इस तड़के को हमने कट कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। इस नमकीन के साथ बनाने वाले हैं हम एक अदरक वाली कड़क चाय, क्योंकि शाम का वक्त है और चाय के साथ इस नमकीन का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तड़का कट चुका है और थोड़ी सी चीज़ों के साथ ही हम इस इंस्टेंट नमकीन की रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से जो है हमने यहाँ पर सारी तैयारियाँ जो हैं वो कर ली हैं, चाय के भी और नमकीन के भी। तो एक तरफ मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही सरसों का तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमें डाल देना है लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, और इसको हमें गोल्डन ब्राउन कलर का भूनना है। गैस की फ्लेम हमने हाई रखनी है, इस नमकीन को बनाते वक्त गैस की फ्लेम हमें स्लो नहीं करनी। तो बस इसको हमें अच्छे से तड़के को भून लेना है और अच्छी तरीके से जैसे ही भून जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये तड़का जो है वो आपका भून के तैयार हो जाएगा। तो जैसे ये भून जाता है तो हमें इसके अंदर डाल देना है मूंगफली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तड़का जो है वो हमारा भून गया है, तो इसके अंदर मैंने मूंगफली को ऐड कर दिया है। मूंगफली को हम 1.5 से 2 मिनट तक भूनेंगे, गैस की फ्लेम हाई रहेगी और इसका छिलका फटने लगेगा जब मूंगफली अच्छे से भुन जाएगी। हमें मूंगफली को जलाना नहीं है तो हमें कंटिन्यूसली इसको चलाना है, और जैसे ही मूंगफली भुन जाती है तो उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देना है पोहा। ये नमकीन बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और इसके खाते वक्त जो मूंगफली का टेस्ट और सबसे बेस्ट चीज़ जो इसके अंदर हमने लहसुन का यूज़ किया है ना, उस लहसुन का जो फ्लेवर आता है वो इस नमकीन को बहुत ज़्यादा यूनिक फ्लेवर देता है। तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। जो लोग लहसुन नहीं खाते वो इसको स्किप कर सकते हैं, और जो खाते हैं वो ज़रूर से इसको ऐड करें, तो इसका टेस्ट जो है वो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। और पोहे को हमें कंटिन्यूसली चलाना है, इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची पोहे का जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब ये अच्छे से भून जाएगा। तो इसको भी 1.5 से 2 मिनट ही लगेगा भूनने में, और भून के हमारी नमकीन जो है इंस्टेंट नमकीन वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हेल्दी भी है, आप इसको घर में बना सकते हैं और इंस्टेंट बना सकते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम के। जितनी देर में आपकी चाय तैयार होती है उतनी देर में आप इस नमकीन को बना सकते हैं। इसको आप एयरटाइट कंटेनर के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप 4 से 5 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाना हो इसको निकालिए, हल्का सा इसको गर्म कीजिए और खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चाय हमारी बनके तैयार है, अदरक वाली स्ट्रॉन्ग कड़क चाय। तो मैंने इसको छान लिया है। दूसरी तरफ हमारी नमकीन भी बनके तैयार है, तो उसको भी हम बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। आज शाम का नाश्ता जो है अदरक वाली चाय और इंस्टेंट मोहा नमकीन के साथ करने वाले हैं। तो आप भी आ जाएं और चाय के साथ, चाय के समय में ही बनने वाली नमकीन के साथ शाम का नाश्ता करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नमकीन का लुक, कलर, टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्रिस्पी, और जो इसकी खुशबू है
बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल लिया है। इसके साथ है अदरक वाली हमारी गर्मा गर्म चाय। ये नमकीन आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी भी मसाले का यूज़ नहीं किया। हल्का सा जो तीखापन है वो हरी मिर्च का है, तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख लें इसका लुक, टेक्स्चर, और टेस्ट करके बताएं कि ये इंस्टेंट पोहा नमकीन आपको कैसी लगी। हमें तो बहुत पसंद है और आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो टेस्ट कर लें और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो जब तक इसको टेस्ट करते हैं, मैं कर लेती हूँ एक नई रेसिपी की तैयारी। बहुत जल्द मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए